हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये हेनरी फील्डिंग की एक बहुत ही फेमस नॉवेल यानी कि फर्स्ट फुल लेंथ नॉवेल होती है जोसेफ एंड्रयूज, और उसी से एमसीक्यूज होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, होम डज जोसेफ एंड्रयूज लव। आपको बताना है कि जो कैरेक्टर होता है जोसेफ एंड्रयूज, जो कि इस नॉवेल का प्रोटैगनिस्ट होता है, ये किससे प्यार करता है। फर्स्ट है फैनी गुडविल, सेकंड बेटी, थर्ड लेडी बूबी, फोर्थ नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट फैनी गुडविल। ये जो बूबी होती है, बूबी के यहाँ ये जोसेफ एंड्रयूज एक सर्वेंट होता है, और ये जो लेडी बूबी होती है इसको बहुत ज़्यादा सीड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन चूंकि ये क्रिश्चियनिटी का पार्ट ले रहा होता है, सबक ले रहा होता है अपने फ्रेंड से, इस वजह से ये लेडी बूबी की तरफ अट्रैक्टिव नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, और ये जो प्यार करता है वो फैनी गुडविल से करता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, फैनी गुडविल कौन है, आपको बताना है। फर्स्ट है मिल्क मेड, सेकेंड है लेडी विद हाई एमिशन, थर्ड है रिप्यूटेड लेडी ऑफ हाई सोसाइटी, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो ये जो फैनी गुडविल होती है गरीब लड़की होती है, और ये मिल्क मेड होती है। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, टू होम डज लेडी बूबी सीड्यूस। ये जो लेडी बूबी होती है ये किसको सीड्यूस करती है। फर्स्ट है जोसेफ एंड्रयूज, सेकंड है एडम्स, थर्ड है बूबी, फोर्थ है नन ऑफ दिस। एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट जोसेफ एंड्रयूज। जोसेफ एंड्रयूज होते हैं बहुत ही भोला भाला जेंटल बॉय होता है, और ये नौकर होता है लेडी बूबी के यहाँ। लेडी बूबी इसको बहुत ज़्यादा सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन ये उसके बहकावे में नहीं आता है। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, हु सपोर्ट्स जोसेफ इन हिज डिटर्मिनेशन टू मैरी फैनी। ये कहना चाहते हैं कि जो जोसेफ एंड्रयू होता है उसका कौन सपोर्ट करता है जब वो फैनी से शादी करना चाहता है। फर्स्ट है मिस्टर अब्राहम एडम्स, सेकंड है बूबी, थर्ड है लेडी बूबी, फोर्थ है नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट मिस्टर अब्राहम एडम। ये जो मिस्टर अब्राहम एडम होता है ये बहुत ही अच्छा दोस्त होता है जोसेफ का, और ये जोसेफ को क्रिश्चियनिटी की पाठ पढ़ाता है, इस वजह से ये किसी की तरफ अट्रैक्टिव नहीं होता है, किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, द ऑनेस्ट प्रीस्ट एंड स्कॉलर मास्टर इज। आपको बताना है कि कौन सा कैरेक्टर होता है जो कि एक ऑनेस्ट प्रीस्ट है और स्कूल मास्टर भी होता है। फर्स्ट है बूबी, सेकंड है मिस्टर टू वाउस, थर्ड है मिस्टर अब्राहम एडम्स, फोर्थ है ब्यू डिटेपर। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट मिस्टर अब्राहम एडम्स। ये जो मिस्टर अब्राहम एडम्स होता है ये प्रीस्ट होता है, और जो क्रिश्चियनिटी की पार्ट पढ़ाता है जोसेफ एंड्रयूज को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, हु इज़ द विडो ऑफ सर थॉमस बूबी। सर थॉमस बूबी की विडो कौन होती है, विधवा कौन होती है। फर्स्ट है लेडी बूबी, सेकंड है बेटी, थर्ड है स्लिप स्लो, फोर्थ है नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट लेडी बूबी। तो ये जो लेडी बूबी होती है ये सीड्यूस किसको करती है, जोसेफ एंड्रयूज को, और लेडी बूबी की जो नौकरानी होती है स्लिप स्लोप होती है, और ये भी सीड्यूस करने की कोशिश करती है जोसेफ एंड्रयूज को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, बिसाइड्स लेडी बूबी हर सर्वेंट ऑल्सो सीड्यूस जोसेफ, वॉट इज हर नेम। ये कहना चाहते हैं कि अगर ये जो लेडी बूबी है इसके अतिरिक्त जो इसकी सर्वेंट होती है वो भी जोसेफ को सीड्यूस करने की कोशिश करती है, आपको बताना है कि उसका नाम क्या है। फर्स्ट है बेटी, सेकंड है लेडी बूबी, थर्ड है मिसेस स्लिप स्लो, फोर्थ है पामेला। करेक्ट आंसर इस सी होता है, ये मिसेस फिलिप स्लिप स्लोफ होती है, जो कि इसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा होती है, ये जोसेफ के मदर की एज की होती है, लेकिन ये भी जोसेफ को सीड्यूस करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट, हु इज़ द स्टीवर्ड ऑफ लेडी बूबी। लेडी बूबी का स्टीवर्ड कौन होता है। फर्स्ट है पीटर पाउंस, सेकंड है मिस्टर टू वाउस, थर्ड है मिस्टर अब्राहम एडम्स, फोर्थ है ब्यू डिडेपर। एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट पीटर पाउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, हु इज जोसेफ्स वर्चुअस सिस्टर। आपको बताना है कि जो जोसेफ की एक पवित्र सिस्टर होती है वो कौन सी होती है, उसका क्या नाम है। फर्स्ट है पामेला एंड्रयूज, सेकंड है बेटी, थर्ड है लेडी बूबी, फोर्थ है फैनी। एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट पामेला एंड्रयूज।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, द नेम ऑफ द इन इन जोसेफ एंड्रयूज। ये कहना चाहते हैं कि जो इन होती है, जोसेफ एंड्रयूज जो नॉवेल है उसमें एक इन होती है यानी कि शराय है, उसका नाम क्या होता है। फर्स्ट है द जॉर्ज, सेकंड है टैबर्ड इन, थर्ड है बोथ आर करेक्ट, फोर्थ है बोथ आर रॉन्ग, एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट द जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, विद हुम इज बेटी द चैम्बर मेड फाउंड लाइंग। ये कहना चाहते हैं कि जो बेटी होती है ये भी एक कैरेक्टर होता है, इसको किसके साथ चैम्बर लेन में लेटा हुआ पाया गया था। फर्स्ट है मिस्टर टू वाउस द लैंडलॉर्ड, सेकंड है मिस्टर अब्राहम्स अब्राहम एडम्स, थर्ड है ब्यू डिडैपर, फोर्थ है नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट मिस्टर टू वाउस। ये जो मिस्टर टू वाउस इनका नाम होता है जो कि एक लैंडलॉर्ड होते हैं, और इन्हीं के साथ बेटी को चैम्बर लेन चैम्बर मेड में लेटा हुआ पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, हु ऑल्सो ट्राइज टू सीड्यूस जोसेफ बट ही डज नॉट रिस्पॉन्ड टू हर। और कौन सा व्यक्ति होता है जो जोसेफ को सीड्यूस करने की कोशिश करता है लेकिन जोसेफ उसको बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देता है, बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। फर्स्ट है लेडी बूबी, सेकंड है बेटी, थर्ड है स्लिप स्लॉप्स, फोर्थ है नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज बी बेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th, सर बूबी इज द निफ्यू ऑफ। ये जो सर बूबी है ये किसके निफ्यू होते हैं आपको बताना है। फर्स्ट है बेटी, सेकंड है लेडी बूबी, थर्ड है स्लिप स्लॉप, फोर्थ है नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज बी लेडी बूबी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, टू हुम डज लेडी बूबी गिव ब्राइबरी फॉर किडनैपिंग फैनी एंड रेपिंग हर। तो ये जो लेडी बूबी होती है, लेडी बूबी जो है आकर्षित होती है जोसेफ एंड्रयू की तरफ, और इसी वजह से और ये जो जोसेफ एंड्रयू होता है ये प्यार करता है फैनी बूबी से, फैनी से प्यार करता है, ये जो जोसेफ होता है ये फैनी से प्यार करता है। तो ये क्या करते हैं, लेडी बूबी किडनैप करने के लिए, ये कहती है किस व्यक्ति को किडनैप करने के लिए कहती है, उसे ब्राइब देती है। तो आपको यह बताना है कि जो लेडी बूबी है ये किसको ब्राइब देती है, फैनी को किडनैप करने के लिए और उसके साथ रेप करने के लिए, ये किसे ब्राइब देती है, क्योंकि उससे ये जलती है, चूँकि जो जोसेफ होता है वो फैनी से प्यार करता है। तो पहला क्वेश्चन है मिस्टर टू वाउस द लैंडलॉर्ड, सेकंड ऑप्शन है मिस्टर अब्राहम एडम्स, थर्ड है बी डिडैपर, फोर्थ है नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज सी बी डिडैपर। तो ये जो बी डिडैपर है इसको ब्राइब दिया जाता है, इसको घूस दिया जाता है, ये लेडी बूबी के द्वारा दिया जाता है ताकि ये फैनी को किडनैप कर ले, उसके साथ रेप करे, क्योंकि जोसेफ एंड्रयू फैनी से प्यार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, फैनी टर्न्स आउट टू बी द रियल डॉटर ऑफ। लेकिन बाद में क्या पता चलता है कि फैनी जो रियल डॉटर है वो किसकी है। तो आपको आंसर बताना है कि जो फैनी होती है वो रियल डॉटर किसकी होती है। फर्स्ट है मिसेज बूबी, सेकंड है मिस्टर एंड्रयूज, थर्ड है बोथ आर करेक्ट, फोर्थ है बोथ आर रॉन्ग, एंड द करेक्ट आंसर इज बी मिसेज एंड्रयूज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th, जोसेफ हैज अ डिस्टिंक्टिव बर्थ मार्क ऑन हिज। ये जो जोसेफ होता है, तो जोसेफ, क्योंकि बाद में ये पता चलता है कि जो फैनी है, लोग कहते हैं कि फैनी जो है वो किसकी है, तो पता चलता है कि फैनी जो है मिसेस एंड्रयूज की बेटी है, और बाद में ये भी पता चलता है कि ये जो जोसेफ होता है वो भी इन्हीं का बेटा होता है। तो इससे पता चलता है कि ये दोनों फैनी और जोसेफ दोनों भाई बहन हैं, तो फिर शादी कैसे करेंगे। और ये जानकर के जो बूबी होती, लेडी बूबी, बहुत ही खुश होती है। लेकिन बाद में पता चलता है, इनको बुलाया जाता है मिसेज और एंड्रयूज को पहचान करने के लिए, तो ये पता चलता है कि नहीं, ये जो है उनका बेटा नहीं बल्कि ये किसी और का बेटा है। और ये पहचान कैसे करते हैं आपको बताना है। तो जोसेफ हैज अ डिस्टिंक्टिव बर्थ मार्क, जोसेफ का जो होता है ये को पैदाइशी बर्थ मार्क होता है, और ये बस ये जो बर्थ मार्क होता है ये कहाँ पर होता है। फर्स्ट है चेस्ट, सेकेंड है थाई, थर्ड है चीक्स, फोर्थ है फोरहेड, सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट चेस्ट पे उसके मार्क्स होता है, जिससे पहचान हो जाती है और पता चलता है कि फैनी और जोसेफ एंड्रयू भाई बहन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, जोसेफ टर्न्स आउट टू बी द लॉस्ट सन ऑफ। बाद में पता चलता है कि जोसेफ जो है वो खोया हुआ बेटा है, लेकिन किसका खोया हुआ बेटा है आपको बताना है। फर्स्ट है द विल्सन फैमिली, सेकंड है द एंड्रयूज फैमिली, थर्ड है द पामेला फैमिली, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो 17 का करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा विल्सन फैमिलीज, क्योंकि इससे पहले लोग कह रहे होते हैं कि जो फैनी होती है और जो है जोसेफ हैं, ये दोनों बेटे होते हैं मिसेस एंड्रयूज के, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, ये जो जोसेफ होता है,
जोसेफ बेटा होता है, ये खोया हुआ चाइल्ड होता है विल्सन फैमिलीज़ का, तो इस वजह से फिर वो भाई बहन नहीं रह जाते हैं और फिर वो शादी करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, द ओनली सोर्स ऑफ द ट्रू रिडिकुलस एज इट अपीयर्स टू मी इज अफेक्टेशन। और आपको बताना है कि ये जो लाइन है ये कहाँ पे यूज़ की गई है, किस नॉवेल की है। फर्स्ट है जोसेफ एंड्रयूज, सेकंड है टॉम जोन्स, थर्ड है पामेला, फोर्थ है शामेला, एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, जोसेफ एंड्रयूज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, एग्जाम्पल्स वर्क मोर फोर्सिबली ऑन द माइंड देन परसेप्ट्स। ये कहना चाहते हो जो एग्जाम्पल्स होते हैं ये माइंड में बहुत ही ताकत से काम करते हैं, इसकी अपेक्षा में जो प्रीच होते हैं उपदेश होते हैं। तो ये किस नॉवल में यूज़ किया गया है, फर्स्ट है टॉम जोन्स, सेकंड है पामेला, थर्ड है शामेला, फोर्थ है जोसेफ एंड्रयूज, एंड द करेक्ट आंसर इज डी, जोसेफ एंड्रयूज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, ही वॉज जेनरस फ्रेंडली एंड ब्रेव टू एन एक्सेस। कहना चाहते हैं वो जो व्यक्ति है वो जेनरस है यानी कि उदार है, फ्रेंडली है, ब्रेव है, सिंप्लिसिटी उसके अंदर है और उसका जो करेक्टर है वो बहुत ही सिंप्लिसिटी है उसके अंदर। और ये किसके बारे में बात करते हैं, किस करेक्टर के बारे में। तो फर्स्ट है पार्सन एडम्स, सेकंड है जोसेफ, थर्ड है बूबी, फोर्थ है नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, पार्सन एडम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st, हुईवर देयर फॉर इज वॉइड ऑफ चैरिटी आई मेक नो स्क्रिपल ऑफ प्रोनाउंसिंग दैट ही इज नो क्रिश्चियन। दिस लाइन इज अबाउट, ये जो लाइन है ये किसके बारे में आपको बताना है। फर्स्ट है मिस्टर एडम्स, सेकंड है जोसेफ, थर्ड है बूबी, फोर्थ है नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, मिस्टर एडम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, द प्लेजर ऑफ द वर्ल्ड आर चीफली फोली एंड द बिजनेस ऑफ इट मोस्टली नेवरी। ये कहने चाहते हैं जो वर्ल्ड का जो प्लेजर होता है, खुशी होता है, ये चीफली बेसिक रूप से मूर्खता है, एंड द बिजनेस ऑफ इट, और इसका जो बिजनेस होता है यानी कि जो काम होता है वो क्या होता है, मक्कारी होता है या धोखाधड़ी होता है। बोथ नथिंग बेटर देन द वैनिटी, ये कहते हैं ये दोनों होते हैं, ये वैनिटी से दोनों, घमंड से दोनों बेकार होते हैं। और ये कौन कहता है आपको बताना है। फर्स्ट है विल्सन इन जोसेफ एंड्रयूज, सेकंड है जोसेफ इन जोसेफ एंड्रयूज, थर्ड टॉम जोन्स इन द टॉम जोन्स, डी है नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, विल्सन कहते हैं जोसेफ एंड्रयूज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd, हु रोट एनोनिमसली फॉर क्राफ्ट्समैन अ टोरी पीरियोडिकल अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर सर रॉबर्ट वॉलपोल। ये कहना चाहते हैं कौन सा व्यक्ति लिखता था क्राफ्ट्समैन के लिए, जो कि एक टोरी पीरियोडिकल था, टोरी पीरियोडिकल था, और ये प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में था, और प्राइम मिनिस्टर का नाम था सर रॉबर्ट वॉलपोल। सो फर्स्ट है फील्डिंग, सेकंड है रिचर्डसन, थर्ड है हार्डी, फोर्थ है नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, हेनरी फील्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, ही स्टार्ट्स नॉवेल राइटिंग बिकॉज ही फील्स एंगर एट द सक्सेस ऑफ सैमुअल रिचर्डसन सक्सेस विद पामेला। ये कहना चाहते हैं वो नॉवेल लिखना शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें महसूस करते हैं एंगर, किसके एंगर, सक्सेस ऑफ सैमुअल रिचर्डसन के, सैमुअल रिचर्डसन का जो पामेला होता है उसकी सक्सेस से इनको गुस्सा आता है। तो ये लिखते हैं एक द पैरोडी शिमला होती है। तो आपको बताना है कौन सा सही आंसर होगा, कौन सा व्यक्ति होता है। फर्स्ट है रिचर्डसन, सेकंड है हार्डी, थर्ड है फील्डिंग, फोर्थ है नन ऑफ दीस, एंड 24 का करेक्ट आंसर है सी, फील्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, हेनरी फील्डिंग बिलोंग्स टू, हेनरी फील्डिंग किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं आपको बताना है। फर्स्ट है 16th century, सेकंड है 17th century, थर्ड है 18th century, फोर्थ है 19th century, एंड द करेक्ट आंसर इज सी, 18th century। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, विच नॉवेल ऑफ फील्डिंग हैज़ बीन कॉल्ड एज अ कॉमिक एपिक इन प्रोज। हेनरी फील्डिंग की कौन सी नॉवेल है जिसको कॉमिक एपिक के रूप में जाना जाता है प्रोज में। फर्स्ट है जोसेफ एंड्रयूज, सेकंड है टॉम जोन्स, थर्ड है पामेला, फोर्थ है शामेला, एंड द करेक्ट आंसर इज बी, 26 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि टॉम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27th, ल्यूसियन स्विफ्ट एंड सर्वेंटीज आर द एक्नॉलेज्ड मास्टर ऑफ। फर्स्ट है फील्डिंग, सेकंड है रिचर्डसन, थर्ड है डिकेंस, फोर्थ है नन ऑफ दीज, और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 27 का ए।
फील्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, हू सिस्टर इज सराह अ सक्सेसफुल राइटर। ये जो सराह है किसकी सिस्टर होती है जो कि एक सक्सेसफुल राइटर भी है। फर्स्ट है रिचर्डसन, सेकंड है डिकन्स, थर्ड है फील्डिंग, फोर्थ है हार्डी, एंड द करेक्ट आंसर इज सी फील्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29th, द पेन नेम ऑफ फील्डिंग इज, हेनरी फील्डिंग का पेन नेम क्या होता है। फर्स्ट है कैप्टन हरकुलिस वाइनगर, सेकंड है कैप्टन हर्मीज वाइनगर, थर्ड है कैप्टन हरकुलिस वाइनगर। करेक्ट आंसर इसका है फर्स्ट, कैप्टन हरकुलिस वाइनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, फील्डिंग वॉज, फील्डिंग कौन थे आपको बताना है। अनशेकेबली अ विक, सेकंड है अनशेकेबली अ टोरी, थर्ड है बोथ आर करेक्ट, फोर्थ है बोथ आर रॉन्ग। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, विक पार्टी से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31st, द हिस्ट्री ऑफ एडवेंचर्स ऑफ जोसेफ एंड्रयूज एंड ऑफ हिज फ्रेंड मिस्टर अब्राहम एडम इज अ नॉवल बाय हेनरी फील्डिंग पब्लिश्ड इन। ये कहना चाहते हैं जो नॉवल है जिसका फुल टाइटल है द हिस्ट्री ऑफ एडवेंचर्स ऑफ जोसेफ एंड्रयूज एंड ऑफ हिज फ्रेंड्स मिस्टर अब्राहम एडम्स इज अ नॉवल, और ये कब पब्लिश की गई थी। फर्स्ट है 1742, सेकंड है 1743, थर्ड है 1744, फोर्थ है 1745, एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट 1742। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, जोसेफ एंड्रयूज इज पार्टली इन पैरोडी ऑफ सैमुअल रिचर्डसन्स फर्स्ट नॉवेल। ये कहना चाहते हैं कि जो जोसेफ एंड्रयू है ये पार्टली पैरोडी है जो कि रिचर्डसन्स सैमुअल रिचर्डसन की फर्स्ट नॉवेल पर बेस्ड है। अब ये बताना है कि जो सैमुअल रिचर्डसन की फर्स्ट नॉवेल है वो कौन सी है। फर्स्ट है पामेला, सेकंड है शामेला, थर्ड है ओलिवर ट्विस्ट, फोर्थ है पामेला। सो 32 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट है पामेला। इसमें स्पेलिंग की थोड़ी मिस्टेक है इसलिए डी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33rd, जोसेफ एंड्रयूज इज रिटन इन द मैनर ऑफ, जोसेफ एंड्रयूज किसकी मैनर में लिखा गया है। फर्स्ट है सर्वेंटीज द ऑथर ऑफ डॉन क्विक्सोटो, सेकंड है सर्वेंटीज द ऑथर ऑफ डॉन क्विक्सोटी, थर्ड है सर्वेंटीज द ऑथर ऑफ डॉन जुआन। सो करेक्ट आंसर इज बी, सर्वेंटीज एक राइटर हैं जिन्होंने लिखा था डॉन क्विक्सोटी और उसी के पैटर्न पे जोसेफ एंड्रयूज को लिखा गया है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, द नॉवेल जोसेफ एंड्रयूज वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन, ये जो नॉवेल है जोसेफ एंड्रयू इसको कितने वॉल्यूम में पब्लिश किया गया था। फर्स्ट है 2 वॉल्यूम्स, सेकेंड है 3 वॉल्यूम्स, थर्ड है 4 वॉल्यूम्स और नेक्स्ट है 5 वॉल्यूम्स। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट 2 वॉल्यूम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, जोसेफ एंड्रयूज हैज़, जोसेफ एंड्रयूज में कितनी बुक्स हैं आपको बताना है। फर्स्ट है फर्स्ट, सेकंड है सेकंड, थर्ड है थर्ड, फोर्थ है फोर्थ। सो द करेक्ट आंसर इज डी, 4 बुक इसमें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, ऑफ राइटिंग लाइव्स इन जनरल एंड पर्टिकुलरली ऑफ पामेला विद द वर्ल्ड बाय द बाय ऑफ कोले साइबर एंड अदर्स, दिस इज द टाइटल। ये जो आपने पढ़ा ये एक टाइटल है, वन ऑफ द चैप्टर ऑफ जोसेफ एंड्रयूज, जोसेफ एंड्रयूज का एक चैप्टर है। आपको बताना है ये कौन सा चैप्टर है। फर्स्ट है फर्स्ट चैप्टर, सेकंड है सेकंड चैप्टर, थर्ड है थर्ड चैप्टर, फोर्थ है लास्ट चैप्टर, एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37th, बींग द लास्ट इन विच दिस ट्रू हिस्ट्री इज ब्रॉड टू अ हैप्पी कंक्लूजन, दिस इज द वन ऑफ द चैप्टर ऑफ जोसेफ एंड्रयूज, विच वन। ये भी एक चैप्टर का नाम है और किस चैप्टर का नाम है आपको बताना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, एंड द करेक्ट आंसर इज डी, ये लास्ट चैप्टर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, जोसेफ एंड्रयूज हैज ऑल्सो, जोसेफ एंड्रयूज में क्या है आपको बताना है। प्रोलॉग, प्रीफेस, फॉरवर्ड एंड एपिलॉग, एंड द करेक्ट आंसर इज बी, इसमें एक प्रीफेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, नाउ फ्रॉम आ अफेक्टेशन ओनली द मिसफॉर्च्यून्स एंड क्लेमिटीज ऑफ लाइफ और द इम्परफेक्शंस ऑफ नेचर मे बिकम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ रेडिक्यूल, दिस लाइन इज फ्रॉम जोसेफ एंड्रयूज। ये लाइन जोसेफ एंड्रयूज के किस चैप्टर से ली गई है। फर्स्ट है प्रीफेस है, सेकेंड है फर्स्ट चैप्टर, थर्ड है लास्ट चैप्टर, एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, ये प्रीफेस से ली गई है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 40, इट इज ट्राइट बट ट्रू ऑब्जर्वेशन, कहते ये ट्राइट यानी कि घिसा पीटा हुआ है लेकिन ये अच्छा ऑब्जर्वेशन है।
दैट एग्जाम्पल्स वर्क मोर फोर्सफुली ऑन माइंड देन परसेप्ट्स, कि एग्जाम्पल जो होते हैं उपदेश से ज़्यादा काम करते हैं दिमाग पे. एंड इफ दिस बी जस्ट इन वॉट इज ओडियस एंड ब्लेमेबल, इट इज मोर स्ट्रॉन्गली सो इन वॉट इज अमेबल एंड प्रेजवर्दी. दीज लाइन्स अपियर इन, आपको बताना है कि ये लाइन कहाँ पर यूज़ की गई है. फर्स्ट है द लास्ट लाइन ऑफ जोसेफ एंड्रयूज, सेकेंड है द बिगनिंग ऑफ जोसेफ एंड्रयूज, फोर्थ है द लास्ट लाइन ऑफ फर्स्ट चैप्टर, और डी है नन ऑफ दिस. सो द करेक्ट आंसर इज बी, बिगनिंग ऑफ जोसेफ एंड्रयूज. तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम.